हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर ईदगाह। इस पाठ की समरी जानेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, ईदगाह कहानी प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। वह बालक अंत में बूढ़ी दादी को भी अपना बालपन से बालक बना देता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के एक बालक के माध्यम से बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्मता से लेख को लिखा है। यह कहानी अंत तक रोचक और कौतूहल उत्पन्न करता है। लेखक का परिचय जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1980 में बनारस जिले के लम्ही गांव में हुआ। मूल नाम था गणपत राय और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी बनारस से। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से रिजाइन किया था। वो उर्दू में भी ज्ञानी थे। उर्दू में वह नवाब राय के नाम से लेखन का कार्य करते थे। सन 1915 में पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने मुंबई टाकीज में भी कहानी लेखन का कार्य किया, किंतु वहां उन्हें वातावरण अच्छा नहीं लगा, अनुकूल नहीं लगा, इसलिए वह कार्य छोड़कर वापस अपने घर लौट आए थे और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चों का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दिखाया गया है। जिस प्रकार हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, इस कहानी के माध्यम से उसको प्रकट किया गया है, बताया गया है। कहानी की शुरुआत इस तरह से है। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस यह भी मालूम नहीं है कि उनके अब्बा जान ईद के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करते हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार ना दे तो ईद का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। उनका यह ईद की त्यौहार खुशी के अवसर पर मुहर्रम जैसा मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष यानी पिछले वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने के लिए बाहर गए हैं। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न भी है। अमीना स्वयं सेवैयाँ, जो मीठा पकवान है एक तरह का, के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव के बच्चे मेले की ओर चल दिए, साथ में हामिद भी था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ पुलिस कवायद करती है। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वालों चोरी भी करवाते हैं। हामिद को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधाराएं क्यों हैं। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म के नाम पे तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं है। कोई भी धर्म मनुष्य से मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखी पर झूलते हैं, परंतु वह दूर खड़ा रहता है। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील, मोहसिन मिस्त्री तथा समी धोबिन को खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उसे देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी अमीना का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण सभी दोस्त उस चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी कारण
किसी न किसी प्रकार से टूट जाते हैं, मगर उसका चिमटा कभी नहीं टूटता। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है। अचानक हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। पूछने पर वह बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीदा है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होती है और पूछती है कि पूरे मेले में तुझे कुछ और चीज खरीदने को नहीं मिली? हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने यह चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध शांत हो जाता है और प्यार में बदल जाता है। दादी अमीना हामिद के त्याग को सुनकर उसके विवेक को देखकर हैरान रह गई। सुबह से बच्चा भूखा दूसरों को मिठाई देखकर खाते देखकर कैसे अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग को अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद यह समझ नहीं पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, फिर भी दादी क्यों रो रही है।